जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी सेकेंड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों से जैसे कि वादा किया था कि आप सभी मित्रों को 3 मॉडल पेपर दोस्तों प्रोवाइड कराएंगे जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बिल्कुल आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होंगे। मैंने वादे के मुताबिक आप सभी मित्रों को 2 मॉडल पेपर तो प्रोवाइड करा दिए, तीसरा मॉडल पेपर दोस्तों आज लेके आए डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर मैथ्स का। दोस्तों आज मॉडल पेपर नंबर कौन सा? तीसरा है, जो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगा क्योंकि ये अंतिम मॉडल पेपर है। इसलिए इस मॉडल पेपर में वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए कि अंतिम रूप से जो मेहनत करेगा वो ही आपको क्या होगा, सफल होगा और आपको सबसे बेहतरीन क्वेश्चन इस मॉडल पेपर में लेके आए जो आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए इस मॉडल पेपर को आपको देखना बहुत जरूरी है क्योंकि ये मॉडल पेपर अंतिम रूप से आपकी डीएलएड की सेकेंड सेमेस्टर की जो मैथ्स की परीक्षा होने वाला उस पर अंतिम प्रहार होगा दोस्तों। कौन सा? ये मॉडल पेपर नंबर तीसरा अंतिम प्रहार है। आज आपका वीडियो अपलोड हो रहा है, इसको विधिवत से देखिएगा क्योंकि इस वीडियो से यदि आपने इसको विधिवत से इस वीडियो को देखा और पीछे वाले 2 मॉडल पेपर देख के आए तो आप मान के चलिए कि आपका जो बैक पेपर था वो 100% आपका क्लियर हो गया। अब आपका बैक जो लगा था वो बैक नहीं लगेगा, आपका भाई भी स्वाद दिलाता यदि आपने ईमानदारी से 3 मॉडल पेपर को सॉल्व किया होगा। और यदि कहीं आपने क्लास अटेंड की होगी दोस्तों जो हमने आपको सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस प्रोवाइड कराई तो कोई संभावना ही नहीं कि आप में दोबारा बैक लगे। और यदि आपने क्लास अटेंड की तो आपको यदि ईमानदारी के साथ दोस्तों सीखे होंगे तो 25 में दोस्तों आपके 25 नंबर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले प्राप्त हो सके दोस्तों, ठीक है। तो जितने भाई बंधु देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों के पास शेयर करिए जिससे आपके भाई बंधु जिन दोस्तों का बैक लगा है वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को देखे और सबका बैक क्लियर हो सके जिससे क्या हो आगामी आने वाली जो आपकी परीक्षा है उसको दे सके और आपकी जो आगामी आने वाली शिक्षक परीक्षा है उसमें भी आप लोग सभी छात्र सभी मित्र दोस्तों आप बैठ सके दोस्तों, ठीक है। तो इसी जोश तथा इसी उमंग के साथ दोस्तों आज की जो मॉडल पेपर उसको स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पहले क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको पता है कि 5 बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, 6 अतिलघुत्तीय प्रश्न आते हैं और 7 क्या आते हैं? लघुत्तीय प्रश्न आते हैं। टोटल आपका 25 नंबर का पेपर होता है दोस्तों। तो देखते हैं सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न संख्या 1 है, कहा -501 की पूर्ववर्ती संख्या होगी। आपको जब पूर्ववर्ती पूछे संख्या तो पूर्ववर्ती कहने का मतलब पहले की संख्या। जैसे पूछ ले 20 के पहले की संख्या क्या होगी तो 20 में 1 माइनस कर दीजिए। पूर्ववर्ती जब भी आपसे पूर्ववर्ती संख्या का जिक्र करे दोस्तों तो सबसे पहले उसमें आपको माइनस करना है 1। पूर्ववर्ती संख्या का जिक्र करते ही आपको उसमें -1 कर देना, ठीक है। तो आपसे कहा जैसे पूछ ले 20 की पूर्ववर्ती तो 20 में -1 कर दे 19 हो गया। इसीलिए आपसे कहा है यहां पर आपसे कहा है कि -501 की पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती तो -501 आपको पता है यदि पूर्ववर्ती कह रहा है दोस्तों तो उसमें क्या कर देंगे हम -1 कर देंगे। -1 इसमें क्या कर दिया तो इसमें -1 कर दिया हमने, ठीक है। अब कहा -501 की पूर्ववर्ती तो दोस्तों पूर्ववर्ती हो गई। अब कहा फिर की पूर्ववर्ती इसकी भी पूर्ववर्ती तो पुनः इसमें से क्या कितना कर दीजिए -1। तो देखो तीनों माइनस के दोस्तों तो आपके तीनों माइनस का चिन्ह हो जाएगा और जोड़ जाएगा 501 502 503 कितना हो जाएगा 503 हो जाएगा। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? यानी पहले आपसे पूछा -501 की पूर्ववर्ती तो -501 की पूर्ववर्ती -501 में से दोस्तों हमने क्या किया -1 घटा दिया तो माइनस का 502 आया। और फिर पूछा कि पूर्ववर्ती उसके भी पूर्ववर्ती पूछा तो इसमें से -1 और घटा देंगे कितना 503 हो जाए। आपको पता जब दोनों चिन्ह माइनस के होते हैं तो चिन्ह माइनस का ही लगता है और दोनों नंबर जुड़ जाते हैं कितना आएगा माइनस का 503। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको इसका सलूशन समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 2 कहता है, देखिए ध्यान से, देखिए कहा 40/35 के समतुल्य भिन्न होगी। दोस्तों समतुल्य भिन्न क्या होती है? जैसे आपसे कहे 1/2 की समतुल्य भिन्न होगी तो ऐसी भिन्न जिनको हम उसके अंश और हर में समान संख्या से यदि गुणा करते हैं तो दोस्तों समतुल्य भिन्न प्राप्त होती है। क्या ऐसी भिन्न जिसके अंश या हर में हम क्या गुणा करें या भाग करें? ऐसी भिन्न जिनके हम क्या अंश में और हर में समान संख्या से गुणा करें या समान संख्या से भाग करें तो दोस्तों हमको समतुल्य भिन्न प्राप्त हो। जैसे पूछे 1/2 की समतुल्य भिन्न तो यदि इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई दिक्कत है? 1 × 2 दोस्तों 2 हो गया और 2 × 2 2 हो गया, ऐसा हो जाएगा। जैसे पूछ लिया, जैसे यहां पे पूछा आपसे पूछा क्या 40/35 के समतुल्य भिन्न होगा तो दोस्तों 40/35 है
हमने कहा गुणा करें या भाग करना है, तो दोस्तों इसको यदि हम 5 से भाग कर दें, किससे भाग कर दिया, 40 को 5 से भाग कर दिया और 35 को दोस्तों 5 से भाग करी, तो कितना 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40 और 5 × 7 = 35 यानी 8/7 आया, 8/7 आया, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन होगा किसका, 40/35 के समतुल्य भिन्न कितना होगा 8/5। जब यदि किसी के समतुल्य भिन्न दोस्तों कहते हैं, जैसे कह देता है यह भी 40/1 नंबर में कहता है 40/35 की दो समतुल्य भिन्न निकालिए, तो दोस्तों क्या करते हैं या इसी के में या तो इसमें मल्टीप्लाई कर दें या इसमें भाग कर दें। जैसे पूछ लेते हैं एक बार और देख लीजिए, जैसे आपसे पूछ लेता है अधोलघुत्री में पूछ सकता है 1/3 की समतुल्य भिन्न बताइए दोस्तों, तो 1/3 यदि इसको हम 2 से मल्टीप्लाई ऊपर से कर दें नीचे से कर दें तो 1/3 की पहली समतुल्य भिन्न कौन सी होगी, 2/6 हो गया। अब इसका समतुल्य भिन्न फिर पूछा, अगली पूछा है तो 1/3 को दोस्तों हम 3 से ऊपर गुणा कर दें 3 से नीचे गुणा कर दें, तो कितना 3 × 3 और 3 × 3 = 9, देखिए 2 समतुल्य भिन्न पूछा था 2/6 और 3/9 हो गई। मतलब समतुल्य भिन्न दोस्तों उन्हें कहते हैं यदि भिन्न में किसी संख्या से अंश व हर में उसी संख्या से गुणा करें और उसी संख्या से भाग करें, दोनों कंडीशनों में कोई एक कंडीशन करें चाहे गुणा करें या भाग करें, आपको जो भिन्न प्राप्त होगी वो समतुल्य भिन्न कहलाएगी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर दोस्तों चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 21 की क्रमागत विषम संख्या होगी, क्या कहा 21 की क्रमागत दोस्तों विषम संख्या होगी, तो क्रमागत यानी कि जस्ट उसके आगे वाली विषम संख्या कहने का मतलब कितना, क्रमागत कहने का मतलब जस्ट उसके आगे वाली, और आपसे विषम पूछा तो आप विषम तो जानते हैं, विषम जानते हैं कि नहीं, 1, 3, 5, 7 ऐसे है विषम संख्या है कि नहीं है दोस्तों, तो कितना 21 की पूछा तो 21 की कौन सी हो जाएगी दोस्तों 23 हो जाएगी कि नहीं, 21 के जस्ट आगे कौन सी आती है 23 आती, राइट, कोई समस्या, 21 के जस्ट आगे कौन सी आती 23 आती, यानी कि 23 हो गया दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की बात, कहा किसी वृत्त की परिधि 44 cm² है दोस्तों, तो कह रहा तो उस वृत्त का क्षेत्रफल बताइए, तो आपसे कहा किसी वृत्त की परिधि दोस्तों, वृत्त की परिधि क्या होती है, आप पहले से परिचित वृत्त की परिधि दोस्तों क्या होती 2πr होती, ध्यान समझिए वृत्त की परिधि 2πr होती और कितना आपसे कहा है 44 cm, तो दोस्तों यहां से आर निकालेंगे कितना होगा 44/ जो चीज गुणे में हो तो दोस्तों बटे में जाती, तो 44/2π हो गया, 2 × 2 और कितना यहां 22 बचा रहा है काट देंगे इसको, तो यानी कितना 22/π ये त्रिज्या आ गई सेंटीमीटर। ठीक है, और आपसे कहा उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, दोस्तों आपको पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता πr² होता, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता πr² होता है, और दोस्तों तो पाई आपको देखो ये पाई हो गया और आर की वैल्यू आप निकाल चुके कितना 22/π, तो यहां कितना हो जाएगा 22/π × कितना 22/π, तो दोस्तों देखो पाई से पाई कैंसिल कितना बचा, देखिए यहां 22 × 22 बचा जाके और पाई बचा दोस्तों, तो पाई की वैल्यू कितनी होती 22/7 होती, 22/7 होती दोस्तों, तो इसके नीचे हम यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, तो देखिए ये 22 आपको पता जब चार टर्म होते हैं 22 के नीचे हम 1 मान सकते हैं कोई दिक्कत 22/1 और ये नीचे वाला जो सब होता है सबसे ऊपर चला जाता है, जब चार टर्म होते हैं तो आपस में पलट जाते हैं, 22 से दोस्तों 22 कट गया, 22 से 22 कट गया, बचा क्या जाके 22 × 7, तो 7 × 2 = 14 और 7 × 14 = 15, 154 क्या आ जाएगा क्षेत्रफल पूछा था, तो कितना चूंकि क्या था दोस्तों वृत्त था, तो यानी कितना क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल का मात्रा कितना हो जाएगा cm² हो जाएगा, यानी 154 वाला कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर दोस्तों थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका सही हो जाएगा। ठीक है, सोल्यूशन हमने कर दिया, यहां परिधि लिखी है, ये इसका क्षेत्रफल निकाला, ये इसका आंसर आ गया। ठीक दोस्तों, अगला प्रश्न कह रहा है 3 लीटर के जग में दोस्तों, आपका एक 3 लीटर का जग है में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा, आपका भैया एक 3 लीटर का जग है उसमें हमको पानी भरना है, तो उसमें पानी भरने के लिए दोस्तों हमको कह रहा 50 मिलीलीटर के जो बर्तन है उससे कितनी बार उस जग में पानी डालना होगा दोस्तों, तो आपको पता है सभी मित्रों को दोस्तों ध्यान से देखिए भैया, आप सभी मित्रों को पता है यहाँ पे दोस्तों माइनस का 503 था ना, चलिए आपसे कहा 3 लीटर के बर्तन में 3 लीटर के बर्तन 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए 50 मिलीलीटर के बर्तन में कितनी बार 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालना होगा, तो दोस्तों 3 लीटर है और यहाँ कितना 50 मिलीलीटर है, तो 3 लीटर को दोस्तों हम क्या करें किसमें चेंज कर लें, 3 लीटर को दोस्तों हम किसमें चेंज कर लें मिलीलीटर में दोस्तों, तो आपको पता 1 लीटर में कितने, 1 लीटर में दोस्तों 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसलिए 3 लीटर में कितने होते हैं 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे, राइट, 1 लीटर में कितने होते हैं 1000 मिलीलीटर होते हैं, इसीलिए 3 लीटर में 3000 मिलीलीटर हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अगला का 50 मिलीमीटर
अब 50 में दोस्तों आपसे कहा है, 50 में दोस्तों का कितना कहा है ध्यान समझिए, 50 में 50 मिलीलीटर कहा है, तो दोस्तों तो 50 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड करेंगे, नहीं समझे, आपसे कहा है 3 लीटर के जग में पानी भरने के लिए, तो 3 लीटर जग था दोस्तों, उसको हमने क्या किया 3 लीटर पानी को मिलीलीटर में चेंज कर लिया, 1 लीटर में दोस्तों 1000 मिलीलीटर होते, इसलिए 3 लीटर में क्या होंगे 3000 मिलीलीटर हो गए, और आपसे कहा 50 मिलीलीटर के बर्तन से कितनी बार पानी डालेंगे, उसको डिवाइड कर दीजिए फटाक से, तो काट लीजिए कितना आएगा, 0 से 0 कटा, 3 एकम 3, 5 छक्का 30, 0 60 है, देखिए कौन सा ऑप्शन नंबर पहला दोस्तों, ठीक, कोई समस्या, ये सारे प्रश्न आपके दोस्तों हो चुके हैं, ये सारे प्रश्न दोस्तों आपके साल हो चुके हैं, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अति लघुत्तरी प्रश्न की ओर, दोस्तों एक बार देखिए यहां पे सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था दोस्तों, और यहां क्या लिखा वर्ग मीटर, तो एक बार देखिए यहां पे यहां मात्र चेंज कर लिए, यहां मीटर स्क्वायर होगा दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन एक बार देखिए यहां पे देखिए क्या लिखा है, किसी वृत्त की परिधि 44 मीटर स्क्वायर है, ठीक है, किसी वृत्त की परिधि कितनी 44 मीटर स्क्वायर है, तो उस वृत्त के का क्षेत्रफल बताइए, सिर्फ मात्रक चेंज कर लिए, क्योंकि यहां पे आंसर में क्या दे रखा वर्ग मीटर वर्ग मीटर वर्ग मीटर, ठीक है, तो इसलिए यहां पे कितना हो जाएगा सेंटीमीटर के स्थान पर यहां कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर, थोड़ा चेंज कर लीजिएगा यहां पे दोस्तों, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, प्रश्न संख्या 6 की ओर, देखिए प्रश्न संख्या 6 अति लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों है, देखिए ध्यान से अति लघुत्तरी प्रश्न, अति लघु उत्तरीय अति लघुत्तरी प्रश्न दोस्तों, ध्यान से देखिए अति लघुत्तरी प्रश्न क्या कहते हैं आपसे, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 आपसे कहा दोस्तों, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आए, ये थर्ड मॉडल पेपर तीसरा अंतिम मॉडल पेपर है, अंतिम प्रहार आपकी एग्जाम पे, इसलिए बहुत बेहतरीन क्वेश्चन लेके आए हैं, आपसे 6 क्वेश्चन कहा दोस्तों, अंडर रूट ए बी की पावर -2 C3 भाग अंडर रूट दोस्तों a³ b² c की पावर -3 की होल पावर दोस्तों दे रखा है कि पावर कितनी -1 को सरल कीजिए, देखिए भैया कितना अच्छा प्रश्न है, और एक नंबर के लिए आपको पता अति लघुत्तरी प्रश्न कितने के आते हैं, आप सब परिचित हैं इसके लिए, तो देखिए दोस्तों इसको नोट करिए, इसको सरल करना है, ऐसा प्रश्न दोस्तों हम आप लोगों को करवा चुके हैं, देखिए ध्यान से, ध्यान से देखिए ये माइनस का वन है दोस्तों, ये भाग का चिन्ह हो तो हमने कहा था भाग का चिन्ह हो तो उसको गुणा में चेंज करते थे, तो फटाक से इसको गुणा में यदि हम चेंज करेंगे तो ए की पावर बी -2 C3 हो जाएगा, ध्यान से समझिए इसको कितना 1/√ दोस्तों कितना हो जाएगा a³ b² c की पावर -3 की पावर -1 हो जाएगा, ध्यान से समझते भैया ये -1 हो गया, क्योंकि गुणा जब भी भाग होगा तो 1/√ लगा के जो डिजिट दे रखी उसको नीचे ले जाएंगे, अब दोस्तों देखो इसकी पावर कितनी -1, इसको पुनः हम अंश में उठा ले जाएं तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ध्यान से देखिए अंडर रूट ए बी की पावर -2 C³ दोस्तों इंटू में देखिए ऊपर जाएगा तो यहाँ -1 था तो यहाँ कितना हो जाएगा a³ b² c की पावर -3 और होल पावर कितना +1 हो जाएगी पावर इसको, और प्लस इसकी होल पावर कितनी हो जाएगी +1 हो जाएगा, तो +1 का कोई मतलब नहीं है, तो ठीक है तो +1 हम लिख के नहीं दिखा रहे हैं आपको, अब देखिए हमको बताया था ये रूट अलग अलग है, इनको एक मिल सकते, जैसे आपको बताया था हमने आपको लिखाया था नहीं, क्या होता है √m(√n) = √mn होता है कि नहीं, ये रूट होता कि नहीं, तो इसको ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते, एक ही रूट में लिख सकते दोस्तों, तो इसको सबको एक रूट में कर लो, तो कितना ए बी की पावर -2 C³ होगा दोस्तों, फिर इसको देखिए इंटू में a³ b² c -3, अब देखिए a यहां पे आपको पता है जब आधार समान होते हैं उनकी घातें जुड़ जाती हैं, तो समान वालों को साथ में करिए, a यहां हो गया दोस्तों और a³ यहां, तो a³ हो गया, फिर देखिए b यहां है b² और यहां कितना b² हो गया, जबकि यहां c³ है दोस्तों और यहां कितना c³ -3, अब ध्यान से देखिए आधार समान होते दोस्तों तो घातें जुड़ जाती हैं, यानी कि a की पावर कितना 1 है यहां पे और +3 तो 1 + 3 = 4 हो गया, कोई समस्या, यहां पे देखिए b की पावर कितना -2 है दोस्तों, -2 और +2 तो -2 + 2 कितना 0 हो जाएगा, तो आपको यहां कितना दोस्तों हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहां पे देखिए c की पावर 3 और -3 तो यानी कि 0 हो गया दोस्तों, अब ध्यान समझिए बराबर देखिए 1 की पावर 4 बचा दोस्तों, 1 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं a² * a² कोई समस्या,
और आपको पता है किसी की भी पावर जीरो, जैसे x की पावर जीरो लिखाओ, a की पावर जीरो लिखाओ, उसका मान दोस्तों कितना होता है, वन होता है। तो चूंकि एक b की पावर जीरो इसका भी मान वन, और c की पावर जीरो इसका भी मान वन, और इसको क्या लिखता है वन इंटू वन, तो वन का कोई मतलब है ही नहीं। आपको देखिए जोड़, अब जोड़ा जो बनता है उसमें से एक बाहर आ जाता है, तो जोड़ा यहां बना, यहां वन का जोड़ा बना, वन बाहर आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, किसी से भी मल्टीप्लाई वन की करो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ए स्क्वायर में से क्या बाहर आ जाएगा, ए बाहर आ जाएगा, तो ए स्क्वायर आपका इसका आंसर हो गया। देखिए दो जोड़े बने थे उसमें ए स्क्वायर बाहर आएगा, कितना आसान प्रश्न है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों, प्रश्न संख्या 7 की ओर, तब तक आप इसको हल कर लीजिए। देखिए प्रश्न संख्या 207 कह रहा है, सर्वसमिका का प्रयोग करके 51 का होल ऑफ स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों कितना अच्छा सा प्रश्न है, का मान ज्ञात कीजिए, ऐसा ये भी प्रश्न दोस्तों कराया हुआ है। आज अंतिम मॉडल पेपर है, अंतिम डीलेट के सेकेंड सेमेस्टर वालों के लिए अंतिम मॉडल पेपर है। कल आपका पेपर दोस्तों 12 बजे से है ना, तो आप धमाकेदार तीनों मॉडल पेपर देख के जाइए और धमाकेदार पेपर देख के आइए दोस्तों। आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर जाइएगा, ठीक है। 51 स्कोर का दोस्तों क्या मान ज्ञात करना है, सर्वसमिका के स्वर्ष, सर्वसमिका का प्रयोग करते दोस्तों। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 50+1 का होल ऑफ स्क्वायर, कोई समस्या। और इसमें किस सर्वसमिका का प्रयोग करें दोस्तों, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर का, क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। सर्वसमिका है हमारी दोस्तों की नहीं है, सर्वसमिका है कि नहीं, तो 51 स्क्वायर बराबर 50+1 से 50+1 51 ही तो होता ए स्क्वायर। अब दोस्तों ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, ए के स्थान पर कितना दोस्तों 50, बी के स्थान पर कितना 1, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, ए स्क्वायर यानी कितना 50 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोस्तों कितना 1 का स्क्वायर प्लस का 2, ए कितना 50 इंटू बी कितना 1 हो गया, ठीक है राइट। अब 50 का स्क्वायर देखो कितना 25, सो होता है 1 का 1 ही होता है, ठीक है। इसका देखिए इतना 2×50 यानी कितना 100 हो गया, जाके इनको सबको जोड़ लीजिए दोस्तों, तो 25 और 100 26 होगा, 2600 दोस्तों कितना आएगा 1 आ गया। देखिए कितना आसान प्रश्न था, है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे पहले जब भी सर्वसमिका का पूछे, बाई चांस आपसे पूछता थोड़ा और देख लीजिए, जैसे बाई चांस आपसे 48 का मान पूछ लेता, तो दोस्तों 48 का होल ऑफ स्क्वायर दोस्तों इसको क्या किसके नजदीक है, 50 के नजदीक है, तो 50-2 का होल ऑफ स्क्वायर कर लेते हैं और ए माइनस बी का फार्मूला लगा देते हैं। बाई चांस पूछ लेता 102 का मान ज्ञात कीजिए, तो इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं 100 लिखा दोस्तों, 100+2 का होल ऑफ स्क्वायर फटाक से खोल के लिए। जैसे पूछ लेता 95 का मान ज्ञात कीजिए, तो ये 100 के करीब है दोस्तों, तो कितना 100 और माइनस का कितना होता, कितना 100 माइनस का 5 कर लेते, इसका होल ऑफ स्क्वायर देते, ए माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर लगा देते, है कि नहीं। तो ऐसे मान ज्ञात कर लेंगे दोस्तों, मुझे उम्मीद है। चलिए अगले प्रश्न के चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 दोस्तों, देखो क्या कहता है, ध्यान से देखिए भैया, प्रश्न संख्या 8 आपसे कहता है √2, √3, √4, √6 को अवरोही आरोही क्रम में लिखिए, को आरोही क्रम में दोस्तों कह रहा है लिखिए, ध्यान से देखिए आरोही क्रम में दोस्तों लिखने का तरीका से ध्यान समझिए। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न दोस्तों है, मुझे उम्मीद है आपने इसको नोट कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं, आपसे कहा है √2 और √3, √4 और दूसरी बात कहा है आपसे √4, √6 को दोस्तों आरोही क्रम में लिखना। आरोही क्रम में दोस्तों लिखने से पहले आप जितना किसका यहां, अच्छा ये इसके यहां पे 2 लगा है, इसके भाई यहां पे 2 लगा होता, छुपा होता कि नहीं, तो 2, 3 और 4 जो नंबर दे रखे हैं ये इनका दोस्तों लासा निकाल लेंगे। क्या सबसे पहले इसका रूट निकालने के लिए इनकी सबकी घातों को समान करना होगा, तो दोस्तों यहां पे 2 होगा कि नहीं, यहां पे तो इस ये वाला 2 छुपा होता हमने आप लोगों को बताया, तो 2, 3, 4 का लासा, तो 2, 3, 4 लासा का हमने लासा आपको लेना सिखाना सिखाया भी है और निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं दोस्तों, 2 है, 3 है और 4 है, नहीं तो होगा 2 से दोस्तों इसको काटेंगे तो 2×1=2 और 3 हो जाएगा, 2×2=4 हो जाएगा, ठीक। और यहां से 2 से काटेंगे दोस्तों तो 1, 3 और 1 हो जाएगा,
और यहाँ से थी तीन से काट देंगे, तो वन वन जब तक वन वन नीचे नहीं है तब तक काटते रहते हैं। तो दो तीन और चार का लास्ट कितना है दोस्तों, पेपर में भी ऐसे कर सकते हैं, अलग से नहीं पेपर में ही निकाल सकते हैं, दो गुड़े दो गुड़े तीन, तो देखिए दो दूना चार और चार तियाँ बारह, यानी कितना है देखे 12। पेपर में भी ऐसे निकाल लीजिएगा, पहले इसका लासा निकालिएगा, ये करिएगा, इसके बाद ये करिएगा, 12 आया। अब दोस्तों इसको देखो, हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, ब्लैक से लिखते रहे, ध्यान से समझिए, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2, कोई समस्या? इसको दोस्तों लिख सकते हैं 4 की पावर, कितना जो यहां लगा होता वही उसकी पावर में चला जाता है 1/2 करके। इसको कह लेते 6 की पावर दोस्तों 1/4, ध्यान समझिए दोस्तों। इसको दोस्तों क्या लाना है, हमारी बावर आया दोस्तों, इसको बनाना है 2 की पावर 1/12, ध्यान से समझिएगा, इसको दोस्तों बनाना है हमको 4 की पावर 1/12 और इसको दोस्तों बनाना है हमको 6 की पावर 1/12, क्योंकि हमने कहा था घातों को हमको समान करना है, इनकी पावर समान हो जाए तो पता चल जाएगा। अब दोस्तों यहां तो था 1/2 और यहां दोस्तों कितना है 1/12, इसको हम इसकी पावर कितनी लगा दें कि यहाँ 1/2 बचे, क्योंकि आपको पता है मल्टीप्लाई यदि हम यहाँ पे 6 लगा दें तो 6 और गुणे 1/12 करेंगे दोस्तों, तो 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो कितना 1/2 ही तो रहेगा, आपको पता है यहाँ पे घातों में गुणा होती कि नहीं, तो यहाँ कितना लगा दें 3 लाना है, तो यदि हम इसको 3 लगा दें तो 3 चक्कू 12 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ कितना लगा दें दोस्तों, कितना लाना है 4 लाना है, तो यहाँ कितना लगा दें, नहीं दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 लगेगा कि 4 लगेगा तो 4 3 12 होता ना, 4 भाई 4 की मल्टीप्लाई 1/12 से करोगे भैया, तो 4 1 कम 4 4 3 12, देखो 1/3 बन गया। यहाँ दोस्तों कितना लगा, 3 लगा दे, 3 1 कम 3 और 3 चक्कू 12, तो 1/4 आ जाएगा, है आसान कि नहीं आसान है? अब इनको सॉल्व कर लीजिए फटाफट, देखिए तो 2 की पावर 16 का 2 की पावर 6 का मतलब यानी कि 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 6 बार, 2 × 2 = 4, 2 × 8 = 8, 8 × 16 = 32, 32 × 64, यानी कितना आएगा 64 की पावर 1/12। इसको सॉल्व करते हैं, 4 का मतलब 4 × 4 × 4 × 4 = 4 बार, तो देखिए 4 चक्कू 16, 4 चक्कू 16, 16 चक्कू 64, 64 चक्कू 256, 256 का कितना आ गया 1/12 दोस्तों हो गया 1/12, ठीक है। 6 की पावर 3 दोस्तों कितना, तो 6 × 6 × 6 = 36, 36 और 6 = 216, कितना होगा 216 की पावर कितना होगा 1/12 हो गया, ठीक दोस्तों। अब देखिए, अब भैया देखिए इनकी क्या यहां पे घातें समान होंगी, तो आप पूछा था आरोही क्रम में, तो आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम होता है, यानी कि सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, तो दोस्तों लिखोगे 2√2, 3√4 तथा 4√6 का आरोही क्रम, आरोही क्रम। तो देखिए सबसे भैया देखिए सबसे छोटा कौन सा आपका इसमें, कितना 64 वाला है कि नहीं सबसे छोटा, भाई इन सब में अंदर वाली वैल्यू देखिए, बाहर तो पावर सबकी समान है, तो सबसे छोटा कितना 64, यानी कि √2 हो गया दोस्तों सबसे पहले। फिर उसके बाद देखिए कौन सा 216, यानी कितना 4√6 हो गया, उसके बाद कितना देखिए 3√4 हो गया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा, ये तरीका हो गया आरोही क्रम। एक नंबर मिलेगा दोस्तों, ऐसा प्रश्न 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है, ठीक है, तो घबराइएगा नहीं कि इतना बड़ा क्वेश्चन है सर एक ही नंबर में आया, 2 में भी पूछ सकता है, लेकिन यहां 1 नंबर में दिया गया तो आप 1 नंबर वाले में सॉल्व करेंगे दोस्तों। चलिए प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते हैं, ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है, देखिए कहा है प्रश्न संख्या 9 दोस्तों, किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः, किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः दोस्तों 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर हैं, 29 मीटर है दोस्तों, तो आपसे कह रहा है तो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल काटने का खर्च
कितना होगा, खर्च कितना दोस्तों होगा। दोस्तों ध्यान समझिए, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए दोस्तों, आपसे कहा गया भैया कि किसी त्रिभुजाकार खेत की तीनों भुजाएं क्रमशः 20 मीटर, 21 मीटर और 29 मीटर। दोस्तों तो त्रिभुजाकार खेत कहा है दोस्तों, तो हम त्रिभुजाकार खेत बना लीजिए। त्रिभुजा का कहा ना, तो त्रिभुज कैसा भी बना लीजिए। आपसे 20, 21 और 29 कहा, चलो हम ये बना लेते हैं। ठीक है, तो ये 29 हो गई हमारी, तो 29 मीटर हो गया। फिर 20 का है तो ये 20 हो गया हमारा, और ये दोस्तों हमारा होगा 21। ये ए हो गया, ये बी हो गया दोस्तों हमारा, और ये सी हो गया। ठीक, ये त्रिभुजा का खेत हो गया दोस्तों। अब त्रिभुजा का खेत जो 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत के फसल को काटना होगा, तो खेत का फसल होगी कितना, जब कह रहा तो इसका एरिया निकाल लें, त्रिभुज ए बी सी का एरिया निकाल लें, क्षेत्रफल मतलब, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्षेत्रफल के बराबर ही तो दोस्तों होगा कि नहीं। तो दोस्तों सबसे पहले क्षेत्रफल निकालिए, तो लिखोगे त्रिभुज, त्रिभुज दोस्तों क्या ए बी सी का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, 1/2 आधार, आधार गुणे दोस्तों क्या होता है ऊंचाई होता है ना, आधार गुणे दोस्तों क्या होता है ऊंचाई इनटू लिखा दोस्तों। ठीक है, तो आधार दोस्तों कितना 1/2 हो गया हमारा, और आधार कितना दोस्तों आपका 20, और गुणे ऊंचाई कितनी दोस्तों 21। तो काट लीजिए इसको फटाफट, 2 × 1 = 2 और 2 × 1 = 2 10 हो गया, तो 20 गुणे 210 हो गया, 210 कितना हो जाएगा मीटर का था ना, मीटर स्क्वायर हो गया, यानी कि त्रिभुज स्क्वायर लिखा दोस्तों, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल, इसका जो क्षेत्रफल ये वाला क्षेत्रफल दोस्तों कितना आएगा 210 मीटर स्क्वायर आ गया। तो आपसे कहा 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से खेत को काटना है दोस्तों, तो दोस्तों 1 मीटर 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि 1 मीटर स्क्वायर को खेत को काटने में दोस्तों 25 रुपये खर्च होते हैं, तो 210 मीटर स्क्वायर को काटने में कितने रुपये खर्च होंगे, बात समझ पाए। ये इसका मतलब है 25 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर स्क्वायर जब खेत काटना है, काटने के लिए 25 रुपये पड़ते हैं ना, लिखोगे 1 मीटर स्क्वायर खेत पर खर्च, पर खर्च वाला दोस्तों कितना है 25 रुपये, इसलिए कितना, कितने मीटर खेत हुए हमारे पास, कितना कितना क्षेत्रफल है 210 मीटर स्क्वायर खेत पर खर्च, खेत पर खर्च दोस्तों यहाँ से देखिए कितना हो 210 गुणे कितना हो जाएगा 25 गुणे 210 ना, 1 × 25 और 210 हो गया, 25 रुपये तो 1 का पढ़ ही था और 210 था, 210 से मल्टीप्लाई कर दीजिए फटाफट, तो कितना 25 × 0 = 0 हो गया, 25 × 25 असल है 2 और 25 × 2 = 50 = 52, 25 × 0 = 0 हुआ दोस्तों, 25 × 25 असिलाए 5, 25 × 25 लिखा 5 असिलाए 2 दोस्तों, और 25 × 50 = 52 कितना हो जाएगा 52,5250 रुपये खर्च आएगा, यदि खेत ये 29, 21 और 20 मीटर का ये त्रिभुजा का जो खेत ए बी सी है इसको यदि काटना है दोस्तों, तो 52,50 रुपये आपके खर्च होंगे दोस्तों। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 की ओर चलते, 9 तो होगा दोस्तों, प्रश्न संख्या 10 की ओर चलते हैं। देखिए भैया प्रश्न संख्या 10 क्या कहता है, तब तक इसको लगा लीजिए, तब तक 10 प्रश्न संख्या 10 नोट कर रहे हैं, ध्यान से देखिए भैया प्रश्न संख्या 10 आपसे कहा है, ये भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रश्न है, 18 दोस्तों प्रश्न संख्या 10 है आपसे, 18 और 30 का तृतीयानुपाती मान बताइए, बताइए दोस्तों ध्यान से देखिए, ये भी बहुत देखिए दोस्तों, छोटा सा प्रश्न है 1 नंबर का है, चलिए दोस्तों ध्यान से देखिए, आपसे 18 और 30 का तृतीय अनुपाती मान बताइए दोस्तों कहा है, तो सबसे पहले करेंगे दोस्तों, लिखेंगे क्या, माना 18 और 30 का तृतीय अनुपाती दोस्तों बराबर मान लेंगे कितना है हमारा x है दोस्तों, कितना x मान लेंगे, तो दोस्तों इसको लिखेंगे 18 अनुपात दोस्तों 30, और ये समानुपात चिन्ह लगता है दोस्तों, यहाँ पे कितना 30
अनुपात x, और इसी समानुपाती को भैया हम चेंज कर देते हैं बराबर में। अब दोस्तों ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका क्या दोस्तों, बाहर वालों को दोस्तों बाहर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं और अंदर वालों के दोस्तों अंदर वाले से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कहने का मतलब 18 × x, 18 × x दोस्तों, ठीक है, बराबर कितना 30 × 30। ये तो एक तरीका होगा। दूसरा तरीका दोस्तों क्या, अब इसको सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लीजिए आ जाएगा। दूसरा तरीका देखो, जब अनुपात होता है उसको बटे सही में लिख सकते हैं ना, अनुपात को दोस्तों बटे सही में लिख सकते हैं, यानी कि 18 × 30 हो जाएगा, बराबर इधर कितना 30 × x हो गया दोस्तों। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए तो 18 × x हो गया दोस्तों, बराबर कितना 30 × 30 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो आप सभी मित्रों को आता होगा ना, 30 × 30 हो गया तो 18 × x दोस्तों 18x हो गया, बराबर कितना 30 × 30, यानी कि कितना 900 हो गया जाके। तो x वाला दोस्तों जो चीज़ गुड़े में होती कहाँ जाती है, बटे में, तो x वाला कितना 900 बटे कितना दोस्तों 18 हो गया, 18 × 1 = 18, 18 × 5 = 90, और ये 0 बचता था 50 हो गया, यानी कि x वाला दोस्तों कितना आ गया 50। तो आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, मेन चीज है आंसर कैसे लिखेंगे दोस्तों, तो अतः 18 और 30 का तृतीयानुपाती, 18 और 30 का तृतीय अनुपाती बराबर कितना दोस्तों 50, ये इसका आंसर होगा, बराबर कितना 50। अब ये देखें सेम, ये हमने कहा था बाहर वालों के ऐसे क्वेश्चन को बाहर वालों को बाहर से मल्टीप्लाई, अंदर वालों के अंदर किससे मल्टीप्लाई, डायरेक्ट एक लाइन लिख दीजिए, इस लाइन को छोड़ के डायरेक्ट आप ये लिख सकते लाइन, और चाहे इसको ऐसे लिखिए जैसे आपको आसान लगे उस तरीके से सॉल्व कर लीजिए। अंतिम प्रश्न चलते दोस्तों अति लघु उत्तरी में, प्रश्न संख्या 11 की ओर देखिए। देखिए प्रश्न संख्या दोस्तों 11 क्या कहता है, आपसे कहा है 2 की पावर, आपसे कह रहा भैया 2 की पावर x + 2 + 2 की पावर x + 1 = 48 में x का मान ज्ञात कीजिए, मैं x का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिए भैया ऐसे प्रश्न को कैसे लगाएंगे, तो भैया देखिए सबसे पहले इसको नोट कर लेते हैं प्रश्न को। आपसे कहा 2 की पावर x + 2 हो गया और +2 की पावर x + 1 = 48 कहा, राइट, कितना 48 का आपसे। तो देखिए इसको भैया ऐसे लिख सकते, 2 की पावर x + 2 और x + 1 + 2 की पावर x + 1 = 48। ये चीज समझ में नहीं आई दोस्तों, आपको पता जब आधार समान होते ये इनटू में है दोस्तों, ये बीच में क्या लगा इनटू, जब आधार समान होते दोस्तों घाते जुड़ जाती, तो 2 की पावर x + 2 है, इसको हमने लिखा 2 × x की पावर 2 की पावर x + 1, ये तो लिखा देखो, इसको जब आधार समान होते तो घाते जुड़ती, तो 2 × 2 है तो 2 हो गया, इसकी पावर कितनी 1 मान सकते हैं, 1 + x + 1, तो कितना हो जाएगा 2x और 1 + 1 कितना 2। देखिए वही चीज आ गई, यानी कि इसको हम ये लिख सकते हैं दोस्तों। आप क्या करोगे, माना y बराबर दोस्तों 2 की पावर x + 1, क्या मान लिया आपने y बराबर दोस्तों, आपने मान लिया 2 की पावर x + 1 है, तो यानी कि जहां पर 2 की पावर x + 1 है वहां पर y यूज कर सकते कि नहीं, तो यानी कि 2 हो गया और गुड़े y, इसके स्थान पर कितना y हो गया, और प्लस कर देना यहां पर 2 की पावर x + 1 है, इसके स्थान पर y लिख लेंगे तो y हो गया, बराबर कितना 48 हो गया। अब देखिए 2y है यहां पर, कितना 2y प्लस का y बराबर 48 है, यानी कि 2y प्लस y कितना 3y हो गया, 3y बराबर कितना 48 हो गया, ठीक है, यानी कि y जो चीज गुड़े में होती है कहां जाती है बटे में, तो y बराबर कितना 48/3 हो गया, तो 3 × 3 3 × 3 हासिल हो गया 18 और 3 = 18, y बराबर दोस्तों कितना 16 आ गया। लेकिन हमको चाहिए क्या थी, x का मान पूछा है, हमने तो y माना था y बराबर 2 की पावर x + 1, तो दोस्तों इधर देख लीजिए, इसके बाद इसके नीचे इधर सॉल्व करना, जहां पे दोस्तों y है y के स्थान पे हमको कितना 2 की पावर x + 1 लिख सकते हैं ना, ये तो हमारा था ही y बराबर 2 की पावर x + 1 माना था ना, तो जहां पे y है उसके स्थान पर 2 की पावर x + 1 लिख लेंगे, तो 2 की पावर दोस्तों x + 1 बराबर कितना हो गया आपका 16 हो गया, यानी कि 2 की पावर x + 1 दोस्तों 16 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4, कोई समस्या भाई, 2 × 2 × 2 × 2 = 4 × 8 × 16 यही तो होता, लिख सकते कि नहीं। अब आपको पता है जब आधार समान होते हैं, जैसे यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, जब आधार समान होते हैं तो उनकी घाते दोस्तों आपस में बराबर हो जाती है, यानी कि x + 1 बराबर कितना हो गया 4 हो गया, तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा बराबर के उधर जाएगा, तो 4 - 1 यानी कि कितना x बराबर कितना आ गया 3 आ गया, x बराबर कितना आया 3 आ गया, कितना आसान प्रश्न दोस्तों। अब आगे चलते हैं लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर,
किसकी ओर चलते हैं? लघु उत्तरी प्रश्नों की ओर दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, लघु उत्तरीय प्रश्न दोस्तों, प्रश्न संख्या 12। देखिए ध्यान से, प्रश्न संख्या 12 क्या कहता है भैया, ध्यान से देखिए, आपसे कह रहा है दोस्तों प्रश्न संख्या 12, ध्यान से भैया देखना है, अभी प्रश्न संख्या 12 कह रहा है, कहा भैया एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा, मैदान की एक भुजा 28 मीटर लंबी है, यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ दोस्तों के साथ दो मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित स्थान, वाहनों के लिए सुरक्षित दोस्तों छोड़ा गया है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए, शेष मैदान का दोस्तों क्षेत्रफल बताइए। देखिए ध्यान से देखिए भैया, ऐसे भी प्रश्न आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं भैया। आपसे कहा गया एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है, यानी और फिर कहा है यदि मैदान के अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान वाहनों के लिए सुरक्षित छोड़ा गया तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो आपसे कहा एक वर्गाकार मैदान की एक भुजा 28 मीटर है, तो आपसे कहा दोस्तों आपको पता है कि वर्गाकार मैदान कहने का मतलब वर्ग दोस्तों कैसा होता है, वर्ग की चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती कि नहीं, आप जानते हैं वर्ग की चारों भुजाएं दोस्तों बराबर होती हैं। देखिए वर्ग बना, वर्ग की दोस्तों क्या होती है, चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो देखिए एक वर्ग बन गया। इसी का एक भुजा 28 मीटर है, तो दोस्तों ये कितना हो गई हमारी 28 मीटर हो गई, ये 28 होगा, ध्यान समझिए, जब ये 28 होगा तो ये भी दोस्तों 28 होगा, सारी 28 होंगे क्योंकि ये हमारा क्या एक वर्ग है, तो ये भी 28 हो गया, और जब ये 28 होगा तो ये भी 28 हो जाएगा कि नहीं भैया, हो जाएगा 28 मीटर हो गया, क्योंकि क्या कहा वर्ग की सारी भुजाएं बराबर होती, तो ये भी दोस्तों कितना होगा 28 मीटर हो गया, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं फिर बराबर होती। फिर कहा यदि मैदान के अंदर, यानी कि इस मैदान, ये है वर्ग का मैदान, इसके अंदर चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा स्थान बनाया गया, चारों भुजाएं यानी कि इसके साथ इन सभी भुजाओं के साथ दोस्तों 2 मीटर का मैदान चारों भुजाओं के साथ, तो ये मान लेते हैं चारों भुजाओं के साथ मैदान बनाया जा रहा है, ये ध्यान से देखिए ये चारों भुजाओं के साथ दोस्तों मैदान बन गया, क्या बन गया, चारों भुजाओं के साथ दोस्तों मैदान बना, ध्यान से देखिए बढ़िया ठीक। बाहर वाले का नाम देते हैं ए बी और ये सी और ये डी होगा दोस्तों, इसका नाम देते हैं P, Q, R और S ठीक है। अब आपसे पूछा है 2 मीटर का रास्ता बताया था ना, चारों भुजाओं के साथ 2 मीटर चौड़ा रास्ता है दोस्तों, तो यानी कि ये कितना हमारा हो गया 2 मीटर, इधर कितना दोस्तों हो जाएगा, ये भी हमारा कितना हो जाएगा, इधर भी दोस्तों कितना है, ये 2 मीटर बड़ा, और इधर कितना होगा दोस्तों, ये भी 2 मीटर, छोटा छोटा लग रहा होगा ना, इधर कितना 2 मीटर, चारों तरफ 2-2 मीटर का रास्ता छोड़ा गया दोस्तों, ध्यान समझिए।
तो दोस्तों देखिए, इधर 2 मीटर रास्ता छोड़ गया, इधर 2 मीटर रास्ता छोड़ गया, टोटल भुजा दोस्तों हमारे पास 28 थी, 2 इधर छूटा 2 इधर छूटा, कितना छूटा दोस्तों, 4 मीटर रास्ता छूट गया, 2 मीटर इधर रास्ता छूट गया, 2 मीटर दोस्तों इधर रास्ता छूट गया, कितना मीटर रास्ता छूट गया, 4 मीटर दोस्तों रास्ता छूट गया ना। जब 4 मीटर रास्ता छूट गया तो 28 में से दोस्तों 4 घटाएगा कितना बचेगा, 24 बचेगा कि नहीं, तो यानी कितना, अब जो नया वर्ग दे रखा उसकी भुजा कितनी हो गई, 24 मीटर हो गई। और चूंकि आपको पता वर्ग है, तो जब इधर से भैया दो इधर 24 होगी, ये 24 होगी, तो ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी, ये भी 24 होगी, होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं कैसी होती हैं, बराबर होती हैं भाई, इधर से 2 छोड़ा, इधर से भी 2 छोड़ा, तो 2 + 2 = 4 होगा, 28 में 4 घटा दिए, इधर भी 2 इधर भी 2, तो जब 4 छूटा जाके तो 28 में से 4 जाएगा 24, यानी कि चारों भुजाएं कितनी, 24 हो जाएगा। तो आपसे कह रहा है तो शेष मैदान का क्षेत्रफल बताइए, पहले मैदान हमारा कौन सा था, ए बी सी डी मैदान था, फिर उसमें से दोस्तों 2-2 मीटर का चारों तरफ रास्ता छोड़ा गया चारों भुजाओं के साथ, तो शेष मैदान हमारा बचा कितना, पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल के बराबर बचा, यही तो मैदान बचा, पी क्यू आर एस, ये इतना मैदान बचा, ब्लैक कलर जो दिखाई दे रहा है, शेष मैदान का क्षेत्र पूछा दोस्तों, क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर दोस्तों, और भुजा कितनी आपकी दोस्तों 24 है, भुजा कितनी 24 है, लिख लीजिए चलिए एक बार, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर होता है, भुजा दोस्तों कितनी आपकी 24, और 24 का स्क्वायर होता है दोस्तों, और 24 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है 500, देख लीजिए 576 होता है कि नहीं, 576 कितना हो गया मीटर स्क्वायर, चेक करना चाहो चेक कर लो, 24 × 24 ऐसे करके चेक कर लेते हैं, ठीक है, 4 × 16 की 6 ऐसे लगे कितना, 4 × 2 = 8 एक 9, और 2 × 8 × 2 = 4 6 और 9 × 8 = 16 और 4 × 5 576 ही है, ठीक है, तो कितना आया दोस्तों 24 है, कितना हो गया वर्ग, कितना होगा 576 मीटर स्क्वायर, आपसे पूछा था शेष, तो शेष मैदान का क्षेत्रफल कितना, यही तो बचा था पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल कितना आएगा 576 मीटर स्क्वायर आ गया, लिख दीजिए आता शेष मैदान का क्षेत्रफल, शेष मैदान का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों 576 मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर दोस्तों, ठीक है, ये चित्र जरूर बनाएंगे, ये इतना शॉर्ट तरीका लगाना यहाँ पे, तो चित्र जरूर मेंशन कीजिए, चित्र बनाना जरूरी है इसमें, ठीक है भैया। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 13 की ओर देखिए भाई, 13 नंबर क्या कहता है, ध्यान से देखिए, 13 नंबर क्या कहता है आपका प्रश्न, 13 नंबर कह रहा है भैया 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु, ए तथा बी की आयु आयु का अनुपात दोस्तों 4:5 है, 5 था दोस्तों, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु मतलब ए बी की आयु, इनकी आयु का अनुपात दोस्तों है 5:6 होगा, तो ए की वर्तमान आयु होगी, ए की वर्तमान आयु दोस्तों होगी, आप ध्यान समझिए, ऐसा भी प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ऐसे आयु पे हमने आपको कई सारे प्रश्न कराए, मॉडल पेपर में भी कराए हैं, ध्यान से आपसे कहा भैया, आपसे कहा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु का अनुपात 4:5 है, तथा 7 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 है, तो ए की वर्तमान आयु बतानी दोस्तों, तो आपसे पूछा 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का अनुपात, और आपको पता जो अनुपात होता है एग्जैक्ट मान नहीं होता, उसके मासा से उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते, ध्यान समझिए, तो 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी का अनुपात पूछा है, तो 7 वर्ष माना 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी की आयु बराबर दोस्तों कितनी है, ऐसे 7 वर्ष पूर्व ए तथा बी नहीं, 7 वर्ष पूर्व ए की आयु,
सात वर्ष पूर्व दोस्तों एक ईयर मान लेते हैं, सात वर्ष पूर्व एक ईयर लिख दिया, सेवन एक्स लगा देंगे। यदि आपको अनुपात दे रखा है और यदि उसको निकालना है एग्जैक्ट वैल्यू, तो उसमें एक्स लगा चिपका देते हैं दोस्तों। फिर सात वर्ष बाद, सात वर्ष पूर्व दोस्तों बी की आई निकाल लीजिए, बी की आई कितनी रहेगी दोस्तों, कितनी है सेवन के हो जाएगा दोस्तों, फोर पूछा था सॉरी, यहाँ कितना होगा फोर एक्स। आपसे पता सात वर्ष पूर्व ए तथा बी की आई चार अनुपात पांच थी, तो सात वर्ष पूर्व ए की आई कितनी फोर एक्स हो गई और बी की आई दोस्तों कितनी फाइव एक्स हो गई। आप ध्यान समझिए, फिर कह रहा है सात वर्ष बाद ए की आई दोस्तों, तो सात वर्ष बाद ए की आई, ए की आई दोस्तों कितनी रहेगी, ध्यान समझिए सात वर्ष बाद ए की आई, ध्यान समझना भैया। देखिए ये सात वर्ष पूर्व की आई है भैया, ध्यान समझो ये सात वर्ष पूर्व की आयु कितनी फोर एक्स, तो वर्तमान की आयु दोस्तों जब हम वर्तमान में पहुंचेंगे कितना हो जाएगा, सात वर्ष पूर्व की आयु फोर एक्स है तो वर्तमान में कितनी हो जाएगी फोर एक्स प्लस सेवन, जैसे होगी कि नहीं, कैसे हमने कहा सात वर्ष, हम सात वर्ष आपकी आयु, सात वर्ष मोहन की आयु दोस्तों, सात वर्ष पहले या सात वर्ष पूर्व मोहन की आयु बीस वर्ष थी, तो इस समय आयु बताइए कितनी होगी। आपसे कहें यदि मोहन की सात वर्ष पहले आयु 20 साल थी तो अब बताइए कितने साल होगी, तो दोस्तों 20 में सात ऐड करेंगे तभी तो पता चलेगा, नहीं समझे, हमने कहा सात वर्ष पूर्व मोहन की आयु 20 वर्ष थी तो वर्तमान की आयु बताइए, तो सात वर्ष पूर्व 20 थी और सात वर्ष और अब वर्तमान की पूछकर सात ऐड ही तो करेंगे तो 20 प्लस 27 होगा। इसी प्रकार कहा सात वर्ष पूर्व ए की आयु 4x है तो सात वर्ष बाद कितनी हो जाएगी 4x प्लस 7, ये वर्तमान की आयु हो गई, लेकिन आपसे कहा सात वर्ष बाद ये वर्तमान की हुई और इसके सात वर्ष बाद यानी इसी में साथ और ऐड कर देंगे, यानी कितना होगा दोस्तों 4x प्लस का 14, ये समझ में 4x 14 कैसे है। इसी प्रकार b का कितना हो जाएगा 7 वर्ष बाद b की आयु कितनी रहेगी दोस्तों 5x थी और 7x बाद कितना होगा 14 हो जाएगा, क्यों सात वर्ष पूर्व बी क्या जाएगा 5x, तो यानी कितना होगा 7 हो जाएगा वर्तमान किया है और इसी में साथ ऐड कर देंगे 5x प्लस का 14 होगा दोस्तों। इनका रेशियो आपको दे रखा है कितना 5:6 दे रखा है, यानी कितना होगा सात वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:6 दे रखा है, यानी कितना प्रश्नानुसार ध्यान से दोस्तों प्रश्नानुसार क्या कह रहा है 4x प्लस का 14 अपॉन दोस्तों 5x प्लस का 14 इक्वल टू दोस्तों दे रखा आपको इतना 5:6 या 5/6 बात ही थी, क्लास मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए फटाफट, तो 6 की मल्टीप्लाई से करो दोस्तों तो 6 ब्रैकेट में 4x प्लस का 14 हो गया और इधर क्लास मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो इधर कितना दोस्तों 5 ब्रैकेट में कितना 5x प्लस का 14 हो गया, फटाक से मल्टीप्लाई करिए तो 6×24 x हो गया दोस्तों प्लस का 14×74 दोस्तों हो गया बराबर 25x प्लस का 14×75 हो गया, ये ठीक है कि नहीं। अब देखिए क्या ये इधर 25x इधर 24x है तो आपको पता समान पद वाले सजातीय वाले को साथ में रखते हैं तो 25x के साथ x को रख लीजिए, नंबर वाले को नंबर के साथ रख लीजिए, इधर सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों इधर देखिए तो 25x को उधर भेज रहे हैं नंबर 84 दोस्तों 84 इधर रखा और इसको 70 वाले को उधर लाए 70 हो गया बराबर 25x ऐसे कहा दोस्तों और ये 24x को बराबर उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 24x हो गए तो 84 में से 70 का 214 बचा नहीं है कोई समस्या और इसमें 24 में से खाली x बचा देखिए यानी कि x बराबर कितना 214 वर्ष रह जाएंगे। ये सब दोस्तों जिसमें जितनी भी आई है सारी वर्ष में दे रखी है आपकी, इस सब में वर्ष आप लगा लीजिएगा ठीक, तो x बराबर 14 वर्ष आ गया। आपसे पूछा एक की वर्तमान आयु तो देखिए अर्थात एक की वर्तमान आयु, वर्तमान आयु दोस्तों कितनी, एक ही वर्तमान आयु कितनी होगी, ये तो सात वर्ष पूर्व की थी, सात वर्ष पूर्व एक ही वर्त आयु कितनी थी 4x थी और इसमें सात ऐड कर देंगे तो वर्तमान आयु आ जाएगी नहीं, यानी कितना 4×x आपका कितना 14 और प्लस 7 आएगा तो दोस्तों कितना 14×56 और प्लस 7 कितना 61, 56 और 60 दोस्तों कितना 63 वर्ष आ गए, 56 और 60 दोस्तों कितना 63 वर्ष आया, यानी कि एक की वर्तमान आयु कितना आ गई 63 आ गई। चलिए इसको लगा लीजिए फटाफट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, एक की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी आ गई 63 वर्ष आ गई। आपसे पूछा एक की वर्तमान आयु बताइए दोस्तों,
चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा, ये 12 हो चुका था ना, तो ये प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सा होगा, 13 की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए प्रश्न संख्या 13 क्या कहता है, 11 हुआ, 12, 13, 14 होगा दोस्तों ना, प्रश्न संख्या 14 की ओर चलते हैं। ध्यान से देखिए, कह रहा है तालिका बनाकर बनाकर सिद्ध कीजिए दोस्तों, तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए x प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक सरल संख्या है, एक सरल संख्या है दोस्तों। ध्यान समझिए ऐसे प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, आपसे कहा तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए आपसे कहा कि तालिका बनाकर सिद्ध कीजिए कि x प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एक सरल संख्या, और सरल संख्या कहते किसे दोस्तों, x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया जो हमारा प्रतिबंध संतुष्ट होना चाहिए तो सरल संख्या कहलाता है। प्रत्येक मान के लिए नहीं, x बराबर 1, x बराबर 2, x बराबर 0, x बराबर -1, जितनी भी हमारी पूर्णांक संख्या है उनको रख के यदि हम इसमें चेक करें तो वो सरल संख्या के दोनों पार्ट बराबर होगा, यानी कि x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है तो हमारी सरल संख्या कहलाता है। देखिए ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तालिका बनाकर कहा ना दोस्तों, तो सबसे पहले लिखेंगे आंसर में क्रमांक या क्रम संख्या, फिर बायां पक्ष, बायां पक्ष ये सरल संख्या है दोस्तों, और बायां पक्ष क्या दोस्तों x प्लस वन का होल ऑफ स्क्वायर, फिर लिखोगे दायां पक्ष, दायां पक्ष दोस्तों, दायां पक्ष कितना है x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 1, ठीक है। ध्यान से देखिए टेबल बनाना है ना, टेबल बन नहीं फटाफट, अब ध्यान से समझ लीजिए आपसे पूछा क्रमांक, पहले नंबर देखें x बराबर दोस्तों, एक और बना लीजिए इसमें क्रमांक से पहले दोस्तों लिखा और बना लीजिए क्रमांक, और यहां लिख दीजिए x, यहां पे दोस्तों x की वैल्यू लिखिए, x बराबर पहले मान लेते हैं 0, एक बार x बराबर 0 पे चेक कर लेते हैं दोस्तों, फिर x बराबर 1 पे चेक कर लें, फिर x बराबर -1 पे चेक कर लें, फिर 4, x बराबर कितना 2 पे, फिर 5, कितनी भी वैल्यू चेक कर लो, 4 बहुत है, चलो हम 5 तक चेक कर दे रहे हैं, 4 वैल्यू तक आप बना लीजिएगा तब भी आपको 2 में 2 नंबर मिलेंगे, 5 तक आपको चेक करा रहे हैं। अब x के साथ जीरो रखेंगे तो 0 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहां x के साथ तो वैल्यू रखेंगे ना, x बराबर 0 है ना, तो 0 प्लस 1 का होल ऑफ स्क्वायर यानी कि कितना 1 का स्क्वायर, या 1 का स्क्वायर 1 ही तो होता ये इसमें रखिए, तो 0 का स्क्वायर दोस्तों प्लस 2 * 0 और प्लस कितना 1 होगा, 0 का स्क्वायर 0 रहेगा, 2 * 0 कितना 0 रहेगा, 0 और प्लस कितना 0 प्लस का 1 बराबर कितना होगा 1 आएगा, देखिए बराबर। अगला देखिए x बराबर 1 रखिए तो इसमें कितना 1 प्लस 1 हो जाएगा, तो माइनस वन हो गया, ये प्लस वन हो गया, का बोला स्क्वायर तो माइनस वन प्लस वन यानी जीरो का स्क्वायर यानी कितना जीरो ही होगा, यहाँ भी देखिए माइनस वन का स्क्वायर होगा दोस्तों, यहाँ कितना होगा 2 इंटू माइनस कितना 1, ये प्लस 1 होगा, माइनस 1 का दोस्तों स्क्वायर कितना होता है प्लस का 1 होगा, भाई माइनस 1 इंटू माइनस 1 करोगे तो माइनस माइनस प्लस 1 की इंटू 1 हो जाएगा, 1 बचा दोस्तों 1 बचा ये कितना 2 और प्लस, तो प्लस माइनस माइनस का कितना हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा और प्लस का 1, तो माइनस का 2 1 प्लस 1 दोस्तों कितना होता है 2 होता है, 2 में से 2 जाएगा 0, देखिए यहां भी 0 यहां भी 0, चलो 2 के लिए चेक करते हैं तो 2 प्लस 1 हो जाएगा, x के साथ में 2 रखेंगे का होल स्क्वायर तो 3 का स्क्वायर होगा, 3 का स्क्वायर दोस्तों 9 होगा, इसको चेक कर लेते हैं 2 के लिए, 2 का स्क्वायर दोस्तों प्लस का 2 गुणे 2 और ये कितना हो गया 1 हो गया, 2 का स्क्वायर दोस्तों 4 होता और 2 गुणे 2 4 होता प्लस 1 कितना 4 + 4 = 8 और ये दोस्तों कितना हो गया 9, राइट। चलिए यहां भी 9 यहां भी 9, एक और चेक कर लेते हैं इसे -2 तो x के साथ -2 और प्लस 1 का होल स्क्वायर तो -2 + 1 तो कितना बचेगा यहां पे माइनस का 1 बचेगा माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी कितना 1 हो जाएगा, ठीक। यहां देखिए -2 का दोस्तों होल ऑफ स्क्वायर हो गया यहां 2 और -2 और ये कितना प्लस 1 हो गया तो -2 का होल ऑफ स्क्वायर 4 हुआ दोस्तों, ठीक है। और -4 का पूछा है तो प्लस माइनस माइनस होगा 2 * 2 4 हो जाएगा प्लस 1,
तो सॉल्व करें, प्लस का 4 माइनस का 4 जीरो हो गया, ये कितना बराबर था 1 बचा जाएगा। अब ध्यान से समझिए भैया, आपसे चूंकि क्या कहा था, संख्या से दिखाना था ना। अब देखिए यहां पे x बराबर जब 0 रखा तो बायां पक्ष जो गोला कर रहे हैं दाएं पक्ष के बराबर है। आपको गोला मानने का नाम से समझा रहे हैं, यहां देखिए पेपर में गोला मत करना। यहां पे यहां x बराबर देखो 1 रखा तब देखिए यहां 4 आ रहा, यहां भी 4 आ रहा। यहां पे जब x बराबर माइनस 1 रखा तो यहां 0 आ रहा, यहां 0 आ रहा। जब x बराबर 2 रखा तो बाएं पक्ष में भी 0 आ रहा, बाएं पक्ष में 9 आ रहा और दाएं पक्ष में भी 9 आ रहा। और जब दोस्तों माइनस 2 रखा तो यहां भी 1 आ रहा और वहां भी 1 आ रहा। ठीक है, देखो कि चूंकि होगा कि नहीं, देखो कि इसके नीचे ये आपको डैश नहीं और गोला नहीं खींचना पेपर में समझाने के बना आता। या देखो चूंकि चूंकि बायां पक्ष बराबर बायां पक्ष बराबर इसके दायां पक्ष के, दायां पक्ष के या अतः क्या लिख सकते हो, अतः x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध, प्रतिबंध मतलब ये जो दे रखा है, दिया गया प्रतिबंध x के लिए प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध क्या संतुष्ट है। ठीक है, चूंकि आता चूंकि भी लिख सकते हो, चूंकि चूंकि x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है आता दिया गया प्रतिबंध एक सर्व समीका है। ये लास्ट में आपको लिखना जरूरी है, क्योंकि क्या है बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष या दूसरा ये रीजन क्या, x के प्रत्येक मान के लिए दिया गया प्रतिबंध संतुष्ट है अतः दिया गया प्रतिबंध क्या है एक सर्व समीका है। ये तो सब क्या होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न संख्या 15 के दोस्तों फटाफट 3 प्रश्न लगाते हैं। देखिए 15 क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए दोस्तों 15 प्रश्न कह रहा है आपसे कि यहां से देखिए 15 नंबर आपसे कहा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है, का 28 गुना है दोस्तों। ठीक है, यदि का 28 गुना है, यदि लासा टेबल बना लीजिए दोस्तों, लासा और मासा का योग, लासा और मासा का योग 1740 को 1740 हो तथा पहली संख्या इसको ना करें भैया, पहली संख्या 420 हो तो दूसरी संख्या बताइए। ध्यान से देखिए, ये आपने नोट कर लिया है ना। देखिए दूसरी संख्या क्या है, आपसे भैया कहा है दो संख्याओं का लासा मासा का 28 गुना है। दो संख्याओं का जो दोस्तों लासा है मासा का कितना है 28 गुना है। तो मान लेते हैं मासा बराबर दोस्तों कितना हो गया x, तो लासा कितना हो जाएगा 28x हो जाएगा। क्यों, आपसे प्रश्न में कहा है दो संख्याओं का जो लासा है भैया मासा का 28 गुना है। कौन 28 गुना है, लासा मासा का 28 गुना है। तो कौन 28 गुना, लासा, इसलिए मासा को x मान लिया, लासा 28x हो गया। प्रश्न कह रहा है लासा और मासा का योग 1720 है, तो लासा प्लस मासा का योग पर दोस्तों कितना है 1720। ये तो कहा प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न कह रहा है लासा प्लस मासा का योग पर कितना 1720 है, तो लासा की वैल्यू दोस्तों कितनी 28x।
और प्लस मासा की वैल्यू दोस्तों कितनी x बराबर 1720 हो गया, यानी कि देखो 28 प्लस 1 29 x बराबर हो गया कितना 1740, 20 नहीं दोस्तों 1740 है। तो x बराबर जो चीज पूरे में होती दोस्तों बटे में जाती, तो x बराबर कितना 1740 और बटे दोस्तों 29, ये 6 बार जाएगा दोस्तों, कितनी बार जाएगा 6 बार, 29 एकदम 29 और 29 छक्का कितना होता है 174 60, चेक कर लीजिए नहीं विश्वास हो तो 29 विश्वास नहीं होता तो वीडियो को देखते हैं कन्फर्म सर, 29 जुड़े 6 9 54 के 4 हंसे लाए 5 और 6 2 12 5 17 17 आ गया दोस्तों, यानी कि x बराबर कितना था 60 आ गया आपसे, x बराबर 60 आया। तो आपसे दूसरी संख्या पूछा दोस्तों, तो यहां से लास्ता इधर से लगा लें, तो यहां से दोस्तों लास्ता निकालें तो कितना होगा ध्यान से देखिए, लास्ता बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये पहला देखिए मासा है तो हमारा इस प्रकार क्या होगा, मासा बराबर मासा देखिए x है, x बराबर की वैल्यू कितनी 60 है तो 60 हो गया भैया, और लासा पूछ लेंगे तो लासा इसका कितना हो जाएगा, लासा आपके पास इतना 28 है तो 28 हो गया और इंटू x, x कितना दोस्तों आपका 60 है तो 60 हो गया, यानी कितना होगा 6 6 48 के 8 भैया दोस्तों हंसी लाए 4 और 6 2 12 और 4 दोस्तों कितना होता 16, ये तो 6 48 के 8 हंसी लाए 4 और 6 2 12 और 4 16 1680 आ गया। आपको एक फॉर्मूला पता होगा दोस्तों, पहली संख्या ऐसे मासा गुणे लासा, इस फॉर्मूले से आप परिचित होंगे, मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, दूसरी संख्या दोस्तों ध्यान समझिए, तो दोस्तों आपको मासा भी पता लासा भी पता, मासा कितना दोस्तों आपका 60 है, लासा कितना दोस्तों 1680 है, पहली संख्या भी आपसे कहा पहली संख्या 420 है, पहली संख्या कितनी 420 और गुणे दूसरी संख्या पूछा है, दूसरी संख्या ठीक है, तो जो जो चीज गुणे में होती है बटे में जाती है, 420 इसके बटे में आ जाएगा तो दूसरी दूसरी संख्या बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 60 गुणे 16 80 बटे कितना 420, काट लीजिए फटाफट, ठीक है जीरो से जीरो कटा देखे ठीक है, किससे 6 से कटेगा 6 कम 6 6 7 42 हो गया दोस्तों, ठीक है ये 7 से काटिए 7 1 कम 7 7 2 14 और कितना होता है 28 7 4 28 0 कितना आएगा दूसरी संख्या वाला दोस्तों, संख्या कितना होगा 240, ये तो पूछा था दूसरी संख्या 240 लिखा दोस्तों, ठीक हो जाएगा ना दोस्तों, इतना आसान प्रश्न है, दो नंबर देके जाएगा फटाफट लगा लेंगे ना। चलिए प्रश्न संख्या 15 होगा ना, 16 की हो सकते हैं, देखिए 16 कहता है भैया आपसे द्विघात समीकरण 6 x - 2x² = 0 को हल कीजिए, हल कीजिए वो दोस्तों आपसे कहा हल कीजिए, ध्यान समझो भैया इसको रख पड़े भैया, इसको दोस्तों आपको हल करना है ध्यान से, द्विघात समीकरण 6 x - 2x² = 0 तो दोस्तों इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको दो घात वाला जो x की पावर है 2 घात उसको सबसे पहले लिखते हैं, तो माइनस का 2x² और प्लस का 6 और प्लस का 6 = 0, माइनस का 2x² इधर लिख लिया, प्लस का x लिख लिया, प्लस का 6 को देखकर दोस्तों पूरी इक्वेशन में माइनस का काम लेते हैं, माइनस काम लेते हैं या कहें दोनों पक्षों में माइनस से गुणा कर दीजिए, दोनों पक्षों में क्या माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे दोस्तों, तो यहां लिखा 2x² हो जाएगा, यहां x हो जाएगा, यहां 6 = 0, ये चीज इस पर चीज समझ पाए कि नहीं, हमने कहा दोनों पक्षों में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे और यहाँ प्लस माइनस माइनस 6 = 0, लिखना चाहना तो यहाँ देखना दोनों पक्षों में माइनस से गुणा करने पर दोस्तों, तो आप देखिए इसको फैक्टर करने तो 6 और 2 की मल्टीप्लाई करके 12 होगा, 12 के ऐसे फैक्टर करें ऐसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, इधर वाला जिसके साथ x नहीं रहेगा और x स्क्वायर के गुणांक में जो लगा उसकी आपस में मल्टीप्लाई करें कर लेते हैं, तो 6 × 2 = 12 होगा, अब भैया 12 के ऐसे फैक्टर करने यदि हम गुणनफल करें तो उसका 12 है, और इस चिन्ह को देखते हैं इस चिन्ह, यहाँ पर प्लस लगाएगा तो कहेंगे जोड़ने पर, यदि माइनस लगा होगा तो घटाने पर, चूंकि यहाँ माइनस लगा है तो 12 के ऐसे हम गुणनखंड करें यदि गुणा करें तो 12 है और यदि घटाएं तो कितना दोस्तों x के पहले कितना गुणांक है 1 छुपा है कि नहीं भाई, 1 × x की समस्या यहाँ पे
तो बन चुका है कि नहीं, तो वन आना चाहिए, यानी कि चार में तीन 212 होता है, और चार माइनस तीन कितना होगा, वन होगा, लिख सकते हैं कि नहीं दोस्तों, तो यहाँ कितना था, 2x² हो गया, माइनस कितना, 4 माइनस का 3 माइनस का 6 बराबर 0, ठीक है, और ये यहाँ पे x भी तो चिपकेगा, 4 माइनस 3 x माइनस 6 बराबर 0 हो गया, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो 2x² माइनस का देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया, 4 * x 4x हो गया, और माइनस माइनस प्लस हो गया कितना, 3x माइनस का 6 बराबर 0 हो गया। अब देखिए यहाँ से कॉमन ले लीजिए इन दोनों में, इसमें तो दोस्तों 2 कॉमन मिल गया, और यहाँ x भी मिलता है, तो यहाँ कितना x बचा जाके, और माइनस का दोस्तों कितना जाके 2 कॉमन ले, 2 बचा जाके, ठीक है, यहाँ 3 कॉमन कितना मिला, प्लस का 3, तो x माइनस का 2 बराबर 0, ठीक है, 3 कॉमन लिया, तो यहाँ जो कॉमन है उससे भाग करो, 3 से भाग करोगे तो x बचेगा, इसको 3 से भाग करेंगे तो 2 बचेगा। अब देखिए x माइनस 2 इसमें भी, x माइनस 2 इसमें भी, इसमें से कॉमन लिया, x माइनस 2 कॉमन हो गया, तो अगले वेक्टर कितना, 2x प्लस 3 बराबर 0। आपको हल करना था दोस्तों, अब जब आए लिखोगे तो जब फर्स्ट पार्ट x माइनस 2 बराबर 0, जब फर्स्ट पार्ट बराबर x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा 2, जब गुणे में दो चीजें होती हैं तो इनको क्या अलग अलग लिख सकते हैं। सेकेंड पार्ट दोस्तों क्या लिखोगे, इसके बाद दोस्तों सेकेंड पार्ट कितना लिखोगे, 2x प्लस 3 बराबर 0, तो यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 2x बराबर दोस्तों बराबर को लगाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना, जो चीज गुणे में बढ़ती जाती है माइनस 3 बटे 2, अतः x बराबर कितना है दोस्तों, 2 कॉमन कितना, माइनस का 3 बटे 2, ये x के 2 मूल आ गए, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ऐसा गुणनफल दोस्तों खूब पूछा जाता है आपके एग्जाम में। प्रश्न संख्या दोस्तों 17 की ओर चलते हैं, अंतिम दो प्रश्न है। देखिए भाई प्रश्न संख्या 17 क्या कहता है, निम्नलिखित आंकड़ों की, निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए माध्यिका भी पेपर भी प्रश्न अपने बनता है, माध्यिका ज्ञात कीजिए, ध्यान से देखिए बेटा, निम्नलिखित की माध्यिका आपसे पूछा है। नंबर देखिए 38, 70, 48, 34, 46, 55, 63, 46, 54 और 44, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 दे रखे हैं दोस्तों। देखिए ध्यान से माध्यिका ज्ञात करने के करते क्या दोस्तों, सबसे पहले दोस्तों माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो हमको नंबर दे रखे होते हैं उनको आरोही या अवरोही क्रम में लिख लेते हैं। जो नंबर यहां दे रखे हैं उनको सबसे पहले क्या आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे दोस्तों, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, आरोही क्रम, आरोही क्रम, तो आरोही क्रम मतलब सबसे छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे, सबसे छोटा दोस्तों कौन सा, इसमें 34, 42, सबसे छोटा दोस्तों 34 हो गया, उसके बाद देखिए 34 हो गया, उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिए 34 के बाद दोस्तों 38 है, 38 के बाद देखिए 42 है, 42 के बाद दोस्तों देखिए कितना 46, 42 के बाद 46 के बाद दोस्तों 48, समझ पा रहे हैं कि नहीं, और 48 के बाद दोस्तों कितना हो गया, 48 के बाद दोस्तों 44 छूट गया दोस्तों, 42 के बाद दोस्तों 44, फिर 46 और फिर 48, ठीक है, और उसके बाद देखिए कितना हो गया 55, उसके बाद दोस्तों कितना 63, उसके बाद दोस्तों कितना है 63, 55, 63 यानी 70। देखिए 10 हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ही गए, 54 छूट गया, 54 छूट गया दोस्तों, ये 54 भी था, 54 और यहां पे दोस्तों हो गया 55। नंबर लिखने से पहले काउंट कर लिए, देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यहां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 हमने इसको क्या कर लिया, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में दोस्तों लिख लिया, आरोही लिखो या अवरोही लिखिए, ठीक है, फिर क्या करो माध्यिका का दोस्तों संख्या कैसी 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि n बराबर कितना दोस्तों 10 दोस्तों, जब सम होता है तो फार्मूला दूसरा होता है और जब विषम होता है तो फार्मूला दूसरा होता है दोस्तों, तो माध्यिका बराबर बराबर होता दोस्तों एन बटे टू वहां पर, वन बटे टू वहां पर, ठीक है, कितना होता है एन बटे एक बटे दो दोस्तों बाहर होता है, एन बटे टू वहां पर, ध्यान से समझिए, और अगली बार देखिए ध्यान से
प्लस का एन बटे टू प्लस वनवा पद, ठीक है, एक बटे दो एन प्लस टू पद प्लस का एन बटे टू प्लस वनवा पद ये फॉर्मूला होता है जब संख्या सम होगी दोस्तों, तो कितना हो जाएगा ध्यान से, तो एक बटे दो का दोस्तों एनवा पद है कितना दोस्तों आपका दस है, तो दस बटे टू वा पद हो गया, प्लस का कितना ध्यान से एन बटे टू कितना आपका दस बटे टू प्लस वनवा पद हो गया, ठीक भैया, तो देखिए कितना बचेगा आपका, तो एक बटे दो ठीक है दस बटे टू है कितना पांचवा पद हो गया, प्लस का दस बटे दो तो दस बटे दो यानी कि पांच और प्लस का वन यानी कितना छह, यानी कि कौन सा छठवां पद, छठवां पद, तो दोस्तों एक बटे दो हो गया देखिए पांचवा पद दोस्तों कितना पद है, अब बिना शर्त करिए इसी लिखा आरोही या अवरोही में लिखिए, आरोही में लिखा तो पहला दोस्तों दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छियालीस पद रखे तो छियालीस हो गया, फिर देखिए छठा कौन सा अड़तालीस है दोस्तों छियालीस अड़तालीस को जोड़ लीजिए तो एक बटे दो हो गया, इसको जोड़ते हैं दोस्तों इंटू में छह और चौदह हो गया देखे और चार चार आठ हो चौरानवे, इसको काट लीजिए दो एकम दो कितना दो चक्कू आठ और सात दो सौ तीन चौदह, दो चक्कू आठ और एक चौदह दो सौ तीन चौदह कितना एक्स कितना आ जाएगा दोस्तों सैतालीस, यहां लिख देना है माध्यिका, इसके बाद ऐसा रेड कलर से लिख देना आगे यहां पे आता माध्यिका वाला दोस्तों कितनी आ गई माध्यिका बराबर कितनी सैतालीस, यहां असाल करने के बाद कितना आएगा सैतालीस आएगा अतः माध्यिका सैतालीस आएगी दोस्तों, ठीक है तो मुझे उम्मीद है आप इसको लगा देंगे, और दोस्तों बाई चांस यहां पर एन बराबर यहां पे n बराबर विषमता तब क्या करते यहीं पे बाई चांस n बराबर यहां पे विषमता दोस्तों यहां पे तब फार्मूला लगेगा माध्यिका बराबर इसको रख कर ऊपर m n यदि दोस्तों विषम होता यदि n विषम होता दोस्तों तो दोस्तों माध्यिका का फार्मूला होता दोस्तों n प्लस टू प्लस वन वहां पर, ठीक है यदि माध्यिका क्या होता यदि n यहां दोस्तों कैसा होता विषम होता है n बराबर सम के साथ विषम नौ सात पांच ऐसे होता तब ये फार्मूला लगाते हैं एन प्लस टू वहां पर दोस्तों, ठीक है अगली क्वेश्चन पे चलते हैं अंतिम क्वेश्चन की ओर, ध्यान से देखिए भैया अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं, अंतिम प्रश्न दोस्तों अठारह नंबर कह रहा है आपसे अठारह नंबर आपसे कहा भैया निम्नलिखित में त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप हैं, त्रिभुज कैसे है दोस्तों समरूप हैं, तो आपसे कहा है यदि त्रिभुज समरूप हैं यदि दोस्तों त्रिभुज ए बी सी की भुजा बी सी बराबर दोस्तों दो सेंटीमीटर बी सी बराबर दोस्तों ए बी कहा दोस्तों ए बी बराबर आपसे कहा है ए बी बराबर दो सेंटीमीटर बी सी बराबर दोस्तों है आपसे तीन सेंटीमीटर कहा है तथा AC बराबर 2.8 सेंटीमीटर 2.8 सेंटीमीटर और त्रिभुज PQR की भुजा दोस्तों QR बराबर 1.5 सेंटीमीटर हो तो क्वेश्चन देखने में बहुत भारी लग रहा है लेकिन बहुत आसान सलूशन है त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजाओं को ज्ञात कीजिए भाई देखने में त्रिभुज बहुत बड़ा लग रहा होगा ना भैया देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा है लेकिन जितना बड़ा देखने में लग रहा उतना बड़ा आपसे है नहीं और चित्र भी दोस्तों आपको एक दे रखा है इसी में क्वेश्चन में ही एक चित्र आपको दे रखा ही आएगा
क्वेश्चन में चित्र बना है दोस्तों, हम अपने तरफ से कुछ नहीं बना रहे हैं। पी पहला दोस्तों बाहर है, ए बी और सी, अंदर दे रखा दोस्तों पी क्यू आर, ध्यान समझिए, इतना सा क्वेश्चन है उसको ध्यान समझिए। आपसे कहा निम्नलिखित त्रिभुज ए बी सी और पी क्यू आर समरूप है। समरूप त्रिभुज कैसे किसे कहते हैं, समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, जैसे देखने में जैसे हो उनकी सकल सूरत, जैसे ये भी त्रिभुज है और ये भी त्रिभुज है, इधर देखने में देखो ये त्रिभुज लग रहा है, इसमें भी तीन भुज है, इसमें भी तीन भुज है भाई, इसमें भी तीन भुज है, इसमें भी तीन भुज है, तो एक जैसे देखने में एक जैसे लगे वही समरूप कहलाते हैं, एक जैसे होने चाहिए, फिर छोटा बड़ा उससे कोई फर्क नहीं, देखने में एक जैसा होना चाहिए, ठीक है, तो देखने में जैसे इसलिए समरूप है। करा यदि त्रिभुज, ये चित्र बना था क्वेश्चन में, यदि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी 2 सेंटीमीटर, तो त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी दोस्तों ये वाली भुजा 2 सेंटीमीटर आपसे कहा, समझिए 2.8 सेंटीमीटर होगा, तो आपसे समझना भैया। और कह रहा यदि त्रिभुज पी क्यू आर की एक भुजा क्यू आर, क्यू आर 1.5 है, तो क्यू आर कौन सी दोस्तों, ये नीचे वाले क्यू आर, ये 1.5 है, 1.5 मीटर जो कहा गया उसको फटाफट बना लीजिए, 1.5 मीटर हो, तो त्रिभुज पी क्यू आर की शेष भुजा, यानी कि जो पी क्यू आर अंदर वाला त्रिभुज है इसकी शेष भुजा कौन सी बची जाएगी, ये पी क्यू, पी क्यू और कितना पी आर, क्वेश्चन ज्ञात करना। देखिए दोस्तों सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, आपको जो दिया लगाने का तरीका है, सबसे पहले जो दे रखा है उसको लिखो, दिया है जो दिया उसको नोट कर लीजिए फटाफट। ए बी आपको दोस्तों दे रखा था कितना 2 सेंटीमीटर, और दे रखा था दोस्तों आपको कितना बी सी बराबर 3 सेंटीमीटर, और दोस्तों आपको दे रखा था ए सी बराबर कितना 2.8 सेंटीमीटर, इतना आपको दे रखा था क्वेश्चन में, ठीक है, इतना तो आपको क्वेश्चन में ही दिया रखा था, और दे रखा था क्यू आर बराबर, क्यू आर बराबर कितना, क्यू आर बराबर 1.5 मीटर, इतना तो आपसे पहले से भैया, इतना तो आपसे पहले कहा था, तो आपसे देखिए इतना हो गया भैया, क्यू आर बराबर ज्ञात करना दोस्तों पी क्यू एंड कितना पी आर, पी क्यू एंड पी आर, ये दो चीजें याद करनी है आपको, पता है ये त्रिभुज समरूप होते हैं, यदि त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का जो रेशियो अनुपात होता है वो बराबर होता है, यदि त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का रेशियो या अनुपात दोस्तों बराबर होता है, तो देखिए ए इसको लिख सकते हैं ए बी, ये ए बी और इसकी संगत कौन भुजा पी क्यू होगी, तो ए बी बटे पी क्यू, ठीक है दोस्तों, दूसरा कौन सा होगा बी सी, तो बी सी और बटे दोस्तों कितना हो जाएगा, इसके संगत कौन सी क्यू आर बराबर, ध्यान समझिए, और आपसे कहा है कौन सा ए सी और बटे कितना हो जाएगा पी आर, इतने से आपसे पहले से पूछे ये चीज आप जानते हैं, ठीक है, आप ध्यान से समझिए एक चीज, देखिए इतना आपको पता दोस्तों, तो ए बी बटे पी क्यू, आपको देखो ए बी दे रखा कितना, बी सी दे रखा दोस्तों और क्यू आर दे रखा, बी सी बटे क्यू आर हो सकता कि नहीं, बी सी बटे क्यू आर निकाल लीजिए सबसे पहले, तो इससे पहले दोस्तों, इससे पहले हम यहां पे इसके पहले इसको लिखने से पहले हम यहां पे कर रहे हैं, जो इसके नीचे आप उसको लिखिएगा क्या दोस्तों, आपसे बी सी बटे क्यू आर, क्यू आर दोस्तों, तो बी सी कितना आपका देखिए, बी सी कितना दोस्तों 3 सेंटीमीटर है, और क्यू आर दोस्तों कितना 1.5, बी सी दोस्तों 3 सेंटीमीटर, क्यू आर कितना 1.5 है, पॉइंट से दोस्तों पॉइंट हटाएंगे तो जीरो बढ़ जाएगा, कितना 15 एकम 15 और 15 दूनी 30, यानी कितना है 2, यानी कि बी सी बटे क्यू आर वाला कितना है 2, यानी कितना है 2, अब इसके नीचे 2 है, 2 के नीचे 1 माने तो समस्या वही तो चीज लिखा 2/1, यानी हर में 1 होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या डायरेक्ट यदि आप ये अलग से यहाँ सॉल्व नहीं करना चाहते हैं भैया, हमने यहाँ लिख दिया अलग से, यदि आप सॉल्व नहीं करना चाहते तो डायरेक्ट यहाँ पे कितना 30 कितना 3/1.5 रखिए इसको सॉल्व कर लीजिए, ठीक है 2/1 आ जाएगा दोस्तों, आपसे पूछा क्या था,
पूछा गया था ना पी क्यू, तो पी क्यू किसमें पड़ा, पी क्यू किसमें पड़ा, पी क्यू, तो पी क्यू को दोस्तों फटाक से उठा लीजिए, ध्यान समझिए पी क्यू को फटाक से उठाइए, तो ए बी अपान दोस्तों पी क्यू, भाई जब ये इसके बराबर ये इसके बराबर तो ये इसके भी तो बराबर होगा, तीनों आपस में चारों आपस में बराबर हो जाएंगे, दो बटे हो जाएगा, ध्यान से समझते रहेगा भैया। अब आपका देखो ए बी पता है आपको, ए बी कितना 2 सेंटीमीटर, जहां पे ए बी वहां पे 2 लिख सकते हैं, इसके आगे क्या करना है दोस्तों, जगह कम है इसीलिए यहां पर लिख रहे हैं, देखिए इसके ए बी कितना दोस्तों आपका कितना 2, तो यहां पे 2 हो गया, बटे पी क्यू दोस्तों आपको तो ज्ञात ही करना है, बराबर कितना 2 बटे 2 बटे 2 ही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2PQ बराबर कितना हो जाएगा 2×1 यानी कि 2 ही रहेगा, यानी कि पी क्यू बराबर कितना हो जाएगा, ध्यान से देखिए पी क्यू बराबर दो चीज गुड़े में होती है कहां बटे में, यानी कि 2/2 यानी कट जाएगा 1, यानी कि पी क्यू दोस्तों कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, 1/1 यानी कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, तो पी क्यू दोस्तों कितना आ जाएगा 1 सेंटीमीटर आएगा। इसी बात दोस्तों ध्यान से देखिए अगले वाले को देखते हैं, एसी बटे पी आर, एसी चाहिए ना आपको, क्या पी आर चाहिए ना, तो एसी कितना दोस्तों हमारा एसी बटे, पहले एक ब्लैक कलर कीजिए उसके लिए एसी बटे दोस्तों कितना पी आर, तो दोस्तों आपको एसी पता है एसी कितना है आपका 2.8, तो 2.8 हो गया बटे दोस्तों पी आर आपको याद ही करना है, पी आर दोस्तों आपको क्या याद करना है भाई, एसी पता 2/1 हो गया, और ये चीज देखिए एसी बटे पी आर आपका एसी बटे पी आर और किसके बराबर होगा 2/1 होगा कि नहीं, इसको लिख लीजिए थोड़ा बड़ा समझ गया 2/1 हो जाएगा, एसी आपको पता दोस्तों 2.8 है, तो 2.8 बटे कितना हो गया पी आर बराबर कितना 2 हो गया, क्रॉस मल्टी 2/1 का तो 2/1 हो, चलो लिख लेते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। इसके बाद दोस्तों फिर ब्लैक वाला लिखेंगे, ब्लू वाला ब्लैक के सीधा देखें क्रॉस, पहले ब्लैक ये फिर रेड वाला फिर ब्लैक, अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे ऐसे, तो 2×2PR होगा दोस्तों 2PR बराबर कितना 2.8 हो जाएगा, 2.8 इसको तो क्या करेंगे 1 था 2.8 की मल्टीप्लाई क्या करेंगे तो 2.8, अब जो चीज गुणे में होती बटे में जाती, तो चूंकि PR गुणे में 2 था तो बटे में चला जाएगा भैया, तो कितना 2.8/2 पॉइंट डालेंगे, यहां से 0 बढ़ा लेंगे कितना होगा 20 होगा, देखिए किससे कटेगा 4 से कटेगा, 4×5=20 और 4×5=4×4×4×28 यानी कि पी आर कितना हो जाएगा 7/5 सेंटीमीटर, इसको भाग करना चाहिए 7/5 यार कितना हो जाएगा 7/5 लिखें यार दोस्तों, इसको क्या लिख सकते हैं 5×5 दोस्तों कितना 5×5=20 हो गया, 5×20 1.4 सेंटीमीटर, 1. कितना होगा 4 सेंटीमीटर हो गया, यस ये दोस्तों 5 लिखा था ना, ठीक तो ये दोस्तों क्या गया आपका पी आर कितना 1.4 सेंटीमीटर आया, और पी क्यू दोस्तों पूछा था पी क्यू और पी आर, पी क्यू आ जाएगा 1 सेंटीमीटर और पी आर कितना 1.4 सेंटीमीटर, इस प्रश्न को ऐसे लगाएंगे दोस्तों, कहीं पे इसमें कोई डाउट सबसे पहले जो दे रखा था उसको नोट कर लिया, उसके बाद बीसी बटे क्यू आर जो रेशियो दोनों भुजाओं की जो संगत भुजाएं दे रहे हैं, ऐसे प्रश्न को लगाने के लिए आपको सबसे पहले देखना है दो भुजाएं जो संगत हो वो दोनों दे रखी हो, दोनों दे रखी थी इसीलिए हमने क्या बीसी बटे क्यू आर निकाल दिया था, बीसी बटे क्यू आर का रेशियो निकाल दिया, 2 आया था वो यहां रख दिया बराबर कर लिया। तो दोस्तों आज का जो आपका ब्रह्मास्त्र था मॉडल पेपर 3 था उसमें टोटल 18 प्रश्न थे, हमने आपके साथ करा दिए, ये आपका ब्रह्मास्त्र दोस्तों जो मॉडल पेपर 3 है वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको सॉल्व जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है, और इसको कल आपको देख के जरूर जाना है, जिससे आपका यदि कोई भी प्रश्न एग्जाम में किसी भी प्रकार का आएगा, जितने भी प्रकार के प्रश्न आते हैं दोस्तों सब प्रकार के हमने प्रश्न को लेने का प्रयास किया है, ठीक है, आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है, आप बड़े ही धैर्य और गंभीरता के साथ एग्जाम देने जाइएगा, कोई टेंशन ना लीजिए, जितना आपने पढ़ा है बहुत पढ़ा है, आप ये मान के चलिएगा जितना आप पढ़ के जा रहे हैं उतना आपने बहुत पढ़ लिया है, ठीक है, अब आपको बिल्कुल फ्रेश होके जाना है, क्योंकि घंटा आपको एक ही मिलता है, उस घंटे को ध्यान में रखते हुए किसी से कोई बातचीत नहीं करनी, आराम से आप बैठ के अपना प्रश्न पत्र जो मिलेगा उसको सॉल्व करिएगा, और बड़ी आराम से कोई टेंशन हड़बड़ाहट या घबराहट नहीं, पेपर आता हो तो ज्यादा खुश ना होना और नहीं आता तो ज्यादा घबराना मत, आप करने का स्टार्ट कर दीजिए ऑटोमेटिक आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपका कल का पेपर दोस्तों बहुत अच्छा होगा।
दोस्तों ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं, बगैर टेंशन के आप पेपर देने जाइए, इन तीनों मॉडल पेपर को सॉल्व करने का पूरा पूरा प्रयास कीजिए, ठीक है दोस्तों। और कितने नंबर आपके आए हैं वो कमेंट करके दोस्तों जरूर बताएं कि 25 में आपको कितने नंबर आए, कमेंट करके जरूर बताएं। आपका कल का दिन मंगलमय हो, आपका पेपर बहुत अच्छा दोस्तों हो, ठीक है। आप बहुत अच्छा पेपर करके आएंगे और पेपर करके आएंगे उसके बाद आप नंबर बताएंगे, सर हमारे इतने नंबर का पेपर दोस्तों हुआ, ठीक है। आपको हमने अंतिम रूप से आज का जो मॉडल पेपर नंबर थर्ड था पूरा हमने आपको पूरा सहयोग आपको किया है, डीलर्स के सेमेस्टर वाले दोस्तों को, भाइयों को दोस्तों अपने, आप आराम से ईमानदारी के साथ पेपर करिए और निसंकोच आप कोई टेंशन मत लीजिए, 100% आप सभी मित्रों का बैक क्लियर होगा और आप आगामी परीक्षा दे सकेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।